نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرحان الرشيد والفرقان الحميد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان میں خانہ ولایت و نبوت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه ولا إله غيره نے اپنے محبوب دانائے کل غیوب منزعون عن کل عیوب کے بارے میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ یہ میرے محبوب جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات ہے یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولکن رسول اللہ بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور یہ وہ میرا محبوب ہے یہ وہ میرا رسول ہے جس پر میں نے نبوت کا باب بند کر دیا ہے نبوت جس پر ختم کر دی ہے ولکن رسول اللہ یہ کیا ہیں فقط اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین
और खातमुन नबीहीन हैं। वकान अल्लाहु बिकुल शैइन अलीमा, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। ये माह सितंबर है और हमारी पार्लियामेंट में, पार्लियामान में जहां एमएनए जाकर बैठते हैं, कौमी असेंबली जो है जितने अरसे ये हमारी कौमी असेंबली वजूद में आई है, मेरे नज़दीक इनसे जो सबसे अच्छा दस्तूर मार्ज़े वजूद में आया है वो एक ही दस्तूर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीन होने पर जो दस्तूर उन्होंने जो कानून बनाया है। बाकी वाह याद बातें इनकी वहाँ होती रहती हैं। एक ही काम इनसे हुआ है और जिन लोगों ने ये काम किया है उस वक्त मुझे उम्मीद वासिक है, उम्मीद रासख है कि जिसने भी इसके अंदर मेहनत की है, किसी मकाम पर भी बैठकर पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल के सदके उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। 7 सितंबर 1974 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हुआ था ख़त्म नबुव्वत का, और फिर ये माह सफ़रुल मुज़फ़र है। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला का ज़िक्र पाक भी हमने सुनना और करना है। तो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो आपकी खिदमात हैं ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। इब्तदाई तौर पर हमें इस मसले को दोबारा रिपीट करना है, दोबारा इसकी रिवीजन करनी है, दोबारा इसको याद करना है ताकि इस मसले को हम याद रखें। ख़त्म नबुव्वत का मामला क्या है, मसला क्या है, इस मसले को हम समझते हैं बड़े सादा आम फाम अंदाज में, ताकि ये मसला बिल्कुल हमारे सामने वाज़े होकर हमारे अजहान से होता हुआ हमारे कुलूब में जाकर बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हदीस पाक में आता है कि 1,24,000 अंबिया को अपनी मखलूक की हदायत के लिए मबूस किया है, और फिर उन अंबिया में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अंबिया को इससे बड़ा मर्तबा अता किया, नबुव्वत से ऊपर वाला मर्तबा अता किया, नबुव्वत से ऊपर वाला मर्तबा, और उन्हें अपना रसूल बनाया, अपना रसूल बनाया। हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है, हर रसूल नबी होता है। 313 या 315 रसूल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबूस किए हैं, बनाए हैं, अल्लाह ने अपनी मखलूक की हदायत के लिए, मखलूक की रहनुमाई के लिए जो अपनी तरफ से नुमाइंदे मुतय्यन किए हैं, जिन नुमाइंदों का तायुन किया है कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं जमीन पर, उन्हें नबी कहा जाता है। 1,24,000 अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक की हदायत के लिए मबूस किए, और सबसे आखिर में आकर अपने महबूब पर इस नबुव्वत के सिलसिले को बंद कर दिया,
इसकी क्या वजूहात हैं, इंशाल्लाह इस पर चलते हैं कि ये बाब बंद क्यों हुआ है, अल्लाह ने अपने महबूब पर ये ख़त्म नबूवत का बाब क्यों बंद कर दिया है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं आगे जाकर। लेकिन जो नफ्स मसला है, इब्तदा जो है उसको हम समझ लें। आपके बाद कोई हकीकी गैर हकीकी नबी, कोई जिल्ली कोई बरूजी नबी, कोई तशरी कोई गैर तशरी नबी, कोई किताब वाला या बगैर किताब के नबी आपके बाद मबूस नहीं होगा। नबी पाक के बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा। यह मैं बात मबूस किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि कादियानियों की तरफ से गैर इन लोगों की तरफ से एक दलील है जो वो पेश करते हैं कि मुसलमानों का यह अकीदा अहदीस बरी पड़ी हैं कि कुर्बे क़यामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे और ईसा अल्लाह के नबी हैं, तो आप कहते हैं कोई नबी नहीं आएगा तो वो आएंगे, लिहाजा आपका दावा दुरुस्त ना हुआ। तो ये बात इस सवाल समझ आया आपको कि नहीं आया सवाल समझ? हाथ खड़ा करें जिनको सवाल समझ आया है। हम कहते हैं कि नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर इस पर एतराज करते हैं वो जो नबी पाक के बाद किसी को नबी मानते हैं, तो वो एतराज करते हैं कि आपकी किताबों के अंदर हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो भी अल्लाह के नबी हैं, तो जब वो आ सकते हैं तो फिर कोई दूसरा नबी आए तो क्या मुश्किल है। तो ये अकीदा जान लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी बनकर नहीं आएगा, कोई अल्लाह की तरफ से मबूस नहीं होगा, कोई अपनी किताब लेकर अपनी शरीयत लेकर अपनी नबूवत का ताज सजा के अपने सर पर कि मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, ये नहीं होगा। जो भी आएगा चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। देखिए ना, इस पर एक बात छोटी सी और कर देता हूं ताकि मसला मजीद खुल जाए। एक मरतबा सैयदना बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तुरैत के कुछ औराक वरके चार किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, तुरैत, इंजील, जबूर और कुरान पाक, ये चार किताबें हैं और बाकी सहाइफ हैं, सहीफा। सहीफा किसे कहते हैं? छोटी छोटी जो किताबें होती हैं, पंफलेट होते हैं कवानीन के चंद वरके, उन्हें सहीफा कहा जाता है। वो भी अल्लाह की तरफ से हैं और वो सारे के सारे सहाइफ इन किताबों से हैं, यानी चैप्टर है वो इन किताबों के, चार पांच दस कवानीन इस किताब से लेकर फिर अलहदा एक नबी को दे दिया, एक रसूल को दे दिया कि ये चंद औराक हैं, चंद कवानीन हैं जो आपने आगे बताने हैं, इनको सहाइफ कहा जाता है। चार किताबें आई हैं। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम की जात पर जो किताब नाजुल हुई है उसको तुरैत कहते हैं। एक दिन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे हुए औराक का मुताला कर रहे थे, कुछ कागजों को कुछ वर्कों को आप पढ़ रहे थे। इतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक तशरीफ लाए तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो मुराद रसूल हैं, जिनको खुद नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया है, बाकी सहाबा मुरीद हैं और सैयदना उमर फारूक मुराद हैं, मुराद रसूल हैं, उन्होंने फौरन वो वर्के अपने पीछे कर लिए। जिस तरह आज के दौर में हमारे बच्चे वो
मोबाइल देखते होते हैं ना, तो जब बड़ा कोई आ जाए तो फौरन मोबाइल को छुपा देते हैं, उसका पेज चेंज कर देते हैं। क्यों? हमारे बच्चे इसलिए करते हैं कि वो को गलत चीज देख रहे होते हैं, वरना वो कभी भी हाइड ना करें, छुपाएं ना। अब हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो कोई गलत चीज नहीं देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो रात के औराक का मुताला कर रहे थे, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? उन्होंने वो छुपा दिए। तो नबी पाक ने पूछा, उमर क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी जुबान से जवाब नहीं दिया, वो औराक आगे कर दिए। या रसूलल्लाह, ये औराक पढ़ रहा हूं, ये तुरैत के सफहात हैं, उनका उनकी तलावत कर रहा हूं, उनको पढ़ रहा हूं, तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, जलाल में आए और फरमाने लगे, उमर सुनो, जिस नबी का, जिस रसूल का तुम ये कलाम पढ़ रहे हो, उसकी किताब का मुताला कर रहे हो, मैं मोहम्मद तुम्हें ये बात बताता हूं, अगर वो नबी भी आ जाए तो वो भी मुझ मोहम्मद की अतात करेगा, मेरे कुरान को पढ़ेगा, मेरे कुरान की तलावत करेगा। गोया अब तुम्हें किसी किताब की तलावत करने की जरूरत नहीं, किसी और नबी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे वद्दुहा को देखो, और अगर पढ़ना है तो कुरान को पढ़ो। तो मसला क्या साबित हुआ, बात क्या, नतीजा क्या निकला, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना नबुवत है, कोई नबी और नहीं आ सकता, और ना ही कोई किताब आएगी, ना ही कोई किताब आएगी। किताब कुरान, बर रसूल मा रिसालत खत्म करद, अल्लाह ने अपने महबूब पर रिसालत खत्म कर दी है और हम पर शरीयत खत्म कर दी है, हम पर शरीयत खत्म कर दी है। आपके बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा, अगर कोई आएगा नबी, जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम ने, हमारा ये ईमान और हमारा ये अकीदा है कि वो तशरीफ लाएंगे, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे, अपनी शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, नबी पाक की शरीयत पर अमल करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानेंगे। पहले भी मानते हैं वो, पहले भी वो मानते हैं, लेकिन जब तशरीफ लाएंगे तो फिर वो नबी बनकर नहीं, नबी पाक का उम्मती बनकर। और फिर देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के दर्जे को किस अंदाज में बयान किया है। नबी पाक ने फरमाया, मुबारक हो तुम्हें मेरे उम्मतियों, वो वक्त कैसा सुहाना वक्त होगा, वो घड़ी कैसी सुहानी घड़ी होगी, वो जगह कैसी उम्दा जगह होगी, वो वक्त कैसा अजीम वक्त होगा कि अल्लाह का एक नबी होगा, वो पीछे मुक्तदी बनेगा और उम्मती आगे इमाम बनेगा, उम्मती आगे इमाम बनेगा, नबी पीछे होगा और उम्मती आगे इमाम बनेगा। और वो कौन है? वो पीछे खड़े होने वाले हजरत ईसा अलैहि सलाम हैं, और आगे मुसल्ले पर खड़े होने वाले हजरत इमाम महदी हैं। जब हजरत इमाम महदी का इतना मुकाम है, और मकाम क्यों बना है, यहां एक जोक के साथ बात को समाप्त करें। हजरत इमाम महदी के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि इस उम्मत का मर्तबा मकाम क्या है, उस शख्स की कैफियत क्या है, उस शख्स का मकाम क्या है कि जिसके पीछे एक नबी नमाज पढ़ेगा, और नमाज भी एक, नमाज भी एक, और उस हस्ती का मर्तबा क्या होगा, उस जात का मर्तबा क्या होगा, उस अबू बकर का मर्तबा क्या होगा कि जिसके पीछे इमामुल अंबिया नमाज पढ़ते हैं। इमाम महदी का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, और वो मुकाम इसलिए है कि उनके पीछे ईसा अलैहि सलाम ने एक नमाज पढ़ी है। अबू बकर कुर्बान जाऊं तेरे मर्तबे पर, तेरे मुकाम पर, कि तेरे पीछे इमामुल अंबिया
जिसको ईसा भी अपना इमाम कहता है, जिसको ईसा भी अपना नबी कहता है, जिसको ईसा भी अपना रसूल कहता है, उस रसूल ने तेरे पीछे 17 नमाजें पढ़ी हैं। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, लेकिन कुर्बान जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक तेरी शान पर, तेरे मर्तबे पर, कि तेरे पीछे इमामुल अंबिया ने 17 नमाजें पढ़ी हैं, 17 नमाजें पढ़ी हैं। और इसीलिए अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अंबिया के बाद जो सबसे अफजल हस्ती है, अंबिया के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अफजलुल खल्क बादल अंबिया, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के लफ्ज हैं। अफजलुल खल्क, एक है बशर, ये जो इंसान हैं, इंसानों के बाद, इंसानों में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी, जिनका वसाल इस माह के अंदर हुआ है, आप फरमाते हैं सिर्फ बशर ही नहीं, सिर्फ बशर ही नहीं, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा की है अंबिया के बाद उस मखलूक में जो अफजल हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा भी आएंगे तो वो भी मुझ मोहम्मद की शरीयत पर अमल करेंगे। यानी क्या मतलब है इस बात का, दोनों अहदीस और दोनों बातें, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी मबूस नहीं होगा, अगर कोई आएगा तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आपकी इत्तिबा करते हुए, आपकी शरीयत पर अमल करते हुए वो आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदी मिर रिजालिकुम, ये अबुव्वत की जो नफी की है कि हालांकि बाप, बाप वो शफकत का साहिबान होता है, वो रहमत का निशान होता है अपनी औलाद पर, बाप बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफकत करने वाला होता है, बड़ा रहम करने वाला होता है, ये उसकी सिफत है, उसकी शान है। ये जो माँ और बाप का मामला अक्सर जो हमारे नाथ ना पढ़ते रहते हैं, माँ की शान बयान करते रहते हैं, हकूक के हवाले से जो हक ज्यादा हैं वो माँ के हैं, हक किसके ज्यादा हैं, माँ के हैं, लेकिन अफजल बाप है, अफजल बाप है। ये अबुव्वत का बहुत बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबुव्वत की नफी कर रहे हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। तो एक एतराज और जो किया जाता है कि आपके साहबजादे हजरत कासिम भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, तय्यब व ताहिर भी हैं, तो फिर वो सारे ही आपके बेटे हैं, तो फिर वो सारे के सारे बेटे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन से और एक बेटा हजरत मारिया की बतिया के बतन से, हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम जो नबी पाक के साहबजादे हैं वो मारिया की बतिया के बतन से, और हजरत अब्दुल्ला और हजरत तैयब ये हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन से। ये सारे के सारे बचपन के अंदर ही अयाम तुफूलियत के अंदर ही इनका वसाल हो गया है। और मर्द कहते हैं जो बालिग हो जाए उसे मर्द कहते हैं, जो बालिग हो जाए उसे मर्द कहते हैं, जो हद बलूगत को पहुंच जाए उसे मर्द कहते हैं, बच्चा जो है वो मर्द के जुमरे में नहीं आता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। अब जमाने जाहिलियत के अंदर, जमाने जाहिलियत क्या है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलान नबुव्वत से पहले
आपकी हयात तय्यबा के अंदर जब तक आपने ऐलान नहीं फरमाया, तारीख सीरत की किताबें उसको जमाना जाहिलियत के नाम से याद रखती हैं। एक है जहालत और एक है जाहिलियत, एक है जहालत और एक जाहिलियत। जहालत क्या है? ना जानना। जहालत क्या है? ना जानना, जाहल होना, ना जानना। और जाहिलियत क्या है? ना मानना। जमाना है जिहालत नहीं कहते हम, जमाना है जाहिलियत कहते हैं। जिहालत तब कहते हैं कि जब वो रसूलुल्लाह को जानते ना हूं। वो जानते हैं और कुरान कह रहा है कि ये किताब, अहले किताब जो है महबूब, आपको इस तरह जानते हैं जितना आपको जानते हैं उतनी अपनी औलादों को भी नहीं जानते। ये यारिफूना कमा यारिफूना अबना अहुम, कुरान कहता है ये महबूब, ये आपको इस तरह जानते हैं अपनी औलादों को उतना नहीं जानते जिस तरह आपको ये जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद नबी नहीं माना, रसूल नहीं माना। तो ना जानना ये जहालत है और ना मानना ये जाहिलियत है। इस दौर में भी जमाना जाहिलियत के कुछ फर्द मौजूद हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी रसूल को नहीं मानते, जो मानने का हक है। तो उस दौरे जाहिलियत में बहुत सारी रसूम थी अरबों के अंदर, उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर। उन रसूम में एक रस्म यह थी कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जब बेटी पैदा होती तो उसको उठा कर ले आया जाता, कब्र खोदी जाती, जिंदा दफन करके ऊपर मिट्टी डाल के वो रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर पूछेगी कल क़यामत के रोज, इन्हें पूछो हमारे वालिदैन को भी अय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, हमारी जातों को, हमारे जिस्मों को जिंदा दरगोर क्यों किया गया था, मैं कत्ल क्यों किया गया था, किस जुर्म की पदाश में हमें जिंदा दरगोर किया गया था। उस दिन जवाब होगा, सवाल होगा। और आज के दौर में वो रस्म आ रही है, हम जिंदा दरगोर तो नहीं करते लेकिन जो बेटी की आने की खुशी है वो भी नहीं करते, हम वो भी नहीं करते। बेटा होता है तो आसमान के साथ कलाबे मिला जाते हैं, बड़ी खुशियां की जाती हैं, पूरे शहर के अंदर लड्डू बांटे जाते हैं, मुबारकबादियां दी जाती हैं। और जब बेटी पैदा होती है तो शर्मिंदगी का इजहार किया जाता है, हालांकि शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी नहीं बेटी पैदा होने पर। अगर बेटी का पैदा करना शर्मिंदगी का बायस होता तो अल्लाह अपने महबूब को चार साहबजादियां ना देता, चार बेटियां ना देता, सिर्फ बेटे ही देता। और फिर बेटे नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं। और ये उसूल है कि नेमत पर सवाल होगा, पूछा जाएगा। माल नेमत है, जिंदगी नेमत है, आंखें नेमत हैं, जुबान नेमत है, तंदुरुस्ती नेमत है, इन सारी नेमतों पर सवाल होगा। अहदीस भरी पड़ी हैं कि अल्लाह पूछेगा बता मैंने माल दिया है कैसे खर्च किया है, नेमत तुझे दी थी, तुझे दिमाग दिया था बता तूने कहाँ खर्च किया, आंखें दी थी बता तूने ये आंखों की नेमत कहाँ खर्च की है, आराम काम देखता रहा है या हलाल कुरान को पढ़ता रहा है। तो नेमत पर सवाल होगा लेकिन रहमत इस पर सवाल नहीं होगा। बाकी सारी चीजें नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं, जिस तरह बारिश है ना, बारिश रहमत है। और रहमत के बाद अल्लाह ने ये नहीं सवाल करेगा मैंने इतनी रहमत की है तुमने इसके साथ क्या किया है। और बेटियां रहमत हैं, बेटियां देकर फिर अल्लाह सवाल नहीं करेगा। और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके हां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी अता की, बेटी अता की जिसको, उसने अपनी बेटी को पाला पोसा, परवरिश की, जवान किया, तरबियत की, उसको कुरान और सुन्नत की तालीम दी, इज्जत आबरू की हिफाजत की, और फिर उसको उसके घर
विदा कर दिया, यानी उसका ब्याह कर दिया, उसको निकाह के अपने खामद के साथ रुखसत कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स और मैं कल क़यामत के रोज इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, जिसने अपनी बेटी को हिफाजत के साथ तालीम देकर रुखसत कर दिया, वो कल क़यामत के रोज मैं और वो इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, यानी जहां मैं होऊंगा वहां उस बेटी का बाप भी होगा। इतनी तरगीब है ये। और एक जुर्म ये था, एक रस्म ये थी, और दूसरी उनकी जहालत ये थी उस जमाने जाहिलियत में कि वो जो ले पालक होता था ना, अडॉप्टेड सन जिसे कहते हैं, मुतबन्ना जिसे कहते हैं शरीयत की इस्लाह में, आपकी जुबान में लेपाल लेपालिक, यानी दूसरा बेटा लेकर ये बेटी लेकर पालना, उसके अहकाम है पूरे शरा के अंदर, वो भी जानने चाहिए हमें। अपने किसी अजीज का, किसी दोस्त की का बेटा या बेटी लेकर, अगर अपनी औलाद नहीं है, ये है भी है तो फिर भी लेकर उसे पालना, उसे शरीयत में मुतबन्ना कहते हैं, लेपाल कहते हैं, अडॉप्टेड सन या डॉटर कहते हैं उसे जिसको लेकर पालते हैं। उसकी पूरी वजाहतें, पूरी तशरीहात शरीयत के अंदर मौजूद हैं। तो अरब के अंदर उस दौर के अंदर ये जहालत मौजूद थी कि जब किसी को वो लेकर पालते थे, लेपालिक बेटा या बेटी लेते थे, तो उसके जो हकूक और मामलात थे वो बैन ही जो उसका अपने सुलभ से पैदा किया हुआ बेटा या बेटी होती थी उसके बराबर करते थे। वो जो हकूक हकीकी बेटे के हैं वही हकूक वो लेपालक बेटे को देते थे। वरासत के अंदर, दूसरे मामलात के अंदर, और फिर नाम भी अपना देते थे, यानी बाप कोई और है लेकिन उसे लेकर पाला है तो उसको अपना नाम देते थे कि ये फलां इब्ने फलां है, अपना नाम देते थे। अब ये ऐसी रस्म थी जो कि हकीकी बात नहीं थी, गैर हकीकी बात थी, ये सच के करीब नहीं थी। बेटा किसी और का है, उसको अपना बल्दियत आप अपनी दे रहे हैं, तो ये बात झूठ है, सच तो नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रस्म को तोड़ने के लिए, इस जिहालत को तोड़ने के लिए जो सबसे पहले आगाज किया है, अपने महबूब से किया है, अपने महबूब से किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दस्तूर के मुताबिक, उस दौर के तरीकों के मुताबिक अपने एक गुलाम को आजाद किया, और वो गुलाम थे हजरत जैद। हजरत जैद, हजरत जैद जिनका नाम कुरान के अंदर आया, वो कजा जैदुन सूरह अहज़ाब के अंदर, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान के अंदर आया है, जिनका नाम कुरान के अंदर आया है, हजरत जैद। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, आरसा के बेटे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद किया, आजाद करके इन्हें अपना बेटा बना लिया, और जैद बिन मोहम्मद लोग कहने लगे, जैद बिन मोहम्मद, ये मोहम्मद के बेटे हैं जैद। अब जब आम मारूफ हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत को नाजिल किया कि महबूब ये कानून, ये मामला दुरुस्त नहीं है, और हम मुआशरे को, आपकी उम्मत को, लोगों को ये कानून देना चाहते हैं कि जो बाप है वही बाप है, लेपालिक वो अडॉप्टेड है, उसको डिक्लेयर अडॉप्टेड करेंगे, लेकिन वो जो हकीकी बाप है वही रहेगा, वो मुतबन्ना नहीं बन सकता, मुंह बोला बेटा जिसे कहते हैं ना, उसको आप वल्दियत नहीं दे सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं है। जब ये आयत नाजिल हुई, अब हजरते
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں پھر دوبارہ آ گئے. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے غلام تھے, نبی پاک نے آزاد کیا, پھر نبی پاک کی اسلام کی غلامی کے اندر یہ آئے. جب باپ کو پتا چلا, حضرت زید کے باپ حارثہ کو پتا چلا, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کرو. نبی پاک نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کرو, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو, اور میرے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرو. اسلام کی دعوت تھی جو نبی پاک کا منصب, انبیاء کا منصب ہے. انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہ توحید کا اعلان کر سکتے ہیں, ہم بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, ہمارا اپنا دین اور مذہب ہے, ہم آپ کے اسلام کو قبول کرنے والے نہیں, آپ ہمیں ہمارا بیٹا دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دین کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو, مجھ سے نہ پوچھو, مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں اس کو واپس کروں, تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے. مجھ محمد کو چھوڑ کر اور اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو لے جاؤ اسے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی طرف دیکھا. اب زید جس کی طرف نبی پاک نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے, وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا باپ واپس لوٹ جا, اگر تو مسلمان ہوتا ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, تو پھر میں تجھے قبول کروں گا, اور اگر تو مخالف آتا ہے تو اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو قبول کرتے ہیں, اپنے باپ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اب انہوں نے چھوڑ دیا, باپ کو واپس بھیج دیا. اور یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا تھا؟ نبی پاک ان کو اتنا قبول کیوں کر رہے تھے؟ ان کی طرف اتنی, حضرت زید کی طرف اتنی توجہ کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ زید کی صلب سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا تھا جسے اسامہ کہتے ہیں, اور یہ حضرت اسامہ وہ اسامہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مجاہد بننے والے ہیں, ان ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو قتل کرنے والے ہیں. یہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ, اسامہ بن زید بن حارثہ, اور وہ اسامہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ محمد کے ساتھ پیار کرتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اسامہ کے ساتھ بھی پیار کرے. اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے, اسی طرح حضرت اسامہ کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے. اب ایک مسئلہ یہ ہوا. پھر دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ جس بیٹے کو عرب کے لوگ اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے, متبنا کہہ دیتے تھے, لے پالک کہہ لیتے تھے, اپنی بلدیت میں لے آتے تھے, تو اب اس کے ساتھ معاملے جو حقیقی بیٹے والے ہوتے تھے وہی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا معاملہ کیا, حضرت زید نے شادی کی حضرت زینب سے, حضرت زینب سے شادی کی. معاملات نہ چلے, آپس میں اختلاف کی وجہ سے, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے, کوئی بھی سبب وجہ سے, حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب اللہ نے حکم دیا کہ محبوب زید نے فیصلہ کر دیا ہے, اس نے طلاق دے دی ہے, وہ طلاق سے فارغ ہو. یہ قرآن ہے, قرآن. زید نے فیصلہ کر دیا ہے, طلاق دے دی ہے, وہ اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی ہیں, اب محبوب تم ان سے شادی کرو. ہم آپ کا, اللہ فرماتا ہے ہم آپ کا نکاح زینب سے کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں, اور اگر کسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اڈاپٹڈ سن بن گیا ہے, لے پالک بن گیا ہے, متبنا بن گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شادی نہیں کر سکتا آپ کی بیٹی کے ساتھ, بلکہ وہ شادی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا باپ اور ہے, ماں اور ہے, اور اس بیٹی کا, یہ بیٹے کا باپ اور ہے اور ماں اور ہے, اور شادی ہو سکتی ہے.
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मुतलका औरत से जो हजरत जैद ने जिसको तलाक दी थी उसी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई। और अल्लाह ने फरमाया कि इनके साथ जो निकाह का मसला हो रहा है, शादी का मसला हो रहा है, जो आपकी जोजियत में दे रहे हैं, ये हम आपकी जोजियत में दे रहे हैं। और शरीयत क्या है, यहां थोड़े ठंडे दिमाग के साथ हमें सोचना चाहिए। शरीयत अपनी ख्वाहिशात का नाम नहीं है कि जो हमने सोच लिया है वही शरीयत होगी। शरीयत यह है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है वो शरीयत है, वो हुक्म है, वो हमारी समझ में आए या ना आए। और समझ में आए या ना आए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को मान लेता है दिलो जान के साथ, दिलो जान के साथ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को मान लेता है, हकीकी मोमिन वो है। उस पर एतराज नहीं, उस पर बास नहीं कि ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, ये चीज मेरे जहन के अंदर नहीं है, मैं कैसे मानूं। आज के दौर में जो सो कॉल्ड स्कॉलर ना टीवी पर बैठे हुए, उनकी जहालत की यही इंतहा है कि जो अल्लाह ने कह दिया है उस पर एतराज करते हैं, जो रसूल ने कह दिया है उस पर एतराज करते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती भी, तुम्हें समझ आए या ना आए, जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है वही हक है और उसी पर ईमान लाना है। देखे ना, अकल के तराजू पर अल्लाह के रसूल के हुक्म को नहीं तोलना हमने। हमारी अकल नहीं मानती, हमारा इल्म नहीं मानता, हमारा मुताला नहीं मानता, लिहाजा हम किस तरह माने इस बात को। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दिया है वही हक है, जिससे मना कर दिया है वो मना है, वो हराम है, और जिसका हुक्म दे दिया है वो हलाल है और वो सवाब है। देखे ना, बहन के साथ शादी करते हैं हम, क्यों नहीं करते, क्या अमर माने हैं इसके अंदर, बोलो ना, क्या अमर माने हैं इसके अंदर बहन के साथ। लेकिन जो शादी करने का मामला है ना, इंसान शादी करता है अपना जोजा के लिए जिसका इंतखाब करता है, वो क्या सोचता है, देखता है पहले उसका हुसन देखता है, ठीक है ना, फिर उसकी जिंदगी के लम्हात को देखता है, ये पाकीज़ा है, बाकरदार है, जो इस्लामी सोच है ये बाकरदार होनी चाहिए। और जो हमशीरा है, जो बहन है, वो हर वक्त तुम्हारे उस भाई के नजरों के सामने है, उसे हर हर चीज का इल्म है कि इसका हुसन कैसा है, इसकी पाकीज़गी कैसी है, इसके अंदर नक्स क्या है, इसके अंदर खूबी क्या है। वो सारी चीजें जानने के बावजूद फिर शादी नहीं करता उसके साथ, क्यों नहीं करता। अकल का तकाजा यही है कि कर ले कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन अपनी बहन के साथ शादी नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के रसूल ने मना किया है। तो जो बात अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया है, बस उसका बैन ही मान लेना ईमान है। और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ महबूब, हम आपको इस ज़ैनब को आपकी ज़ौजियत में देते हैं, हम इसका निकाह आपके साथ करते हैं। पढ़े कुरान पाक को, ज़ैनब को आपके निकाह में, ताकि लोगों के अंदर ये जो बात है कि अपनी मुतबन्ना, अपनी लेपालक के साथ हम निकाह नहीं कर सकते, ये मसला ही कोई नहीं है शरीयत के अंदर, ये कोई मसला नहीं है। वो गैर बाप से मुतवल्लद हुई है, गैर मां से मुतवल्लद हुई है, और किसी को मुतबन्ना बनाना और फिर अपनी जायदाद में, अपनी विरासत में उसका हिस्सा रखना और फिर सारे अहकाम वही लागू करना जो हकीकी बेटे और बेटी की हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया। और इस वजह से अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अब एक और बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो रिश्ता अबुव्वत है, यानी बाप होने का रिश्ता, इसको क्यों मना किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, क्यों मना किया। बाप बड़ा रहीम होता है। देखे ना, अगर बाप के बारे में जानना हो ना, वैसे हम आजकल ये दौर है हमारा, अपने वालिदैन की कदर नहीं करते,
उनको इज्जत इत्राम नहीं देते। सारा दिन बेचारा बाप धूप के अंदर काम करता है, गालियां लेता है अपने जो जहां काम कर रहा होता है, बेइज्जती झिड़के लेता है, और शाम को चंद टके कमा के वह अपने बच्चों के लिए लाता है। इतना रहीम है बाप। जब इतना रहीम है, इतना रहमत वाला है, इतना शफकत वाला है, तो फिर चाहिए तो यह था कि नबी जो है बदर्जा औला अपनी उम्मत के लिए बाप का दर्जा रखता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अबूवत की नफी ना की जाती, लेकिन अल्लाह ने नफी कर दी है। क्यों नफी की है? अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान किया है, बेशक बाप शफकत है, शफकत का साहिबान है, बहुत मेहरबान है, बहुत करम फरमाने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है अपनी औलाद से, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा बाप बेटे से, बाप बेटे से, बेटा बाप से दूर भागेगा। योमा यफिर्रु मिन अखीही व उम्मीही व अबी। अल्लाह फरमाता है कि योमा यफिरुल मरओ, योमा यफिरु यफिरुल मरओ मिन अखीही। एक दिन आएगा कि इंसान बंदा वो अपने भाई से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, मां बेटे से भागेगी, बेटा मां से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा जान छुड़ाएगा, बेटा बाप से जान छुड़ाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि ये कुरान अल्लाह का है, उसका इल्म अजली है, एक दिन आएगा कि दोनों आपस में जुदा हो जाएंगे, और मेरा महबूब ये सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, कि कल क़यामत के रोज जब तुम पर मुश्किल आए तो अपनी जान छुड़ा ले, तुमसे अलहदा हो जाए, तुमसे परे हो जाए, बल्कि ये वो दिन है जब मेरा महबूब तुम पर साहिबान बनकर, रहमत का साहिबान बनकर, शफीउल मुतलबीन बनकर कल क़यामत के रोज ये ऐलान करेगा, अना लहा अना लहा अना लहा। जब हर बंदा अपने भाई भाई से जुदा हो जाएगा, जान छुड़ाएगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की अबूवत की नफी की कि मेरा महबूब जान छुड़ाने वाला नहीं है। जब कायनात नफसी नफसी कह रही होगी, हर एक को अपना गम होगा, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा कोई, उस वक्त कल क़यामत के रोज जो अना लहा अना लहा अना लहा, जो शफीउल मुज़नबीन बनकर अल्लाह की बारगाह में कहेगा, या अल्लाह इसे भी छोड़ दे, इसे भी छोड़ दे, इसे भी छोड़ दे, इसकी भी बख्शिश कर दे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ये शान बयान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की, अबूवत की नफी करके अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, मेरा महबूब कैसा महबूब है, मैंने अबूवत की नफी की है क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन आएगा बाप बेटे से जान छुड़ाएगा, और मेरा महबूब अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम अपनी उम्मत पर कैसा अजीज है, कैसी शफकत करने वाला है। जब मां जान छुड़ाएगी उस वक्त महबूब अपने गले से लगाएगा, और हदीस पाक में आता है कि जिसके पांव में कांटा चुभता है, जिस उम्मती के पांव के अंदर कांटा चुभता है, नबी पाक उसके कांटे की तकलीफ को महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, वो नबी है हमारा। और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मेरे मदीने की जियारत की, वहां आया, उस पर कोई परेशानी आई और उसने उस पर सब्र किया, तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कल क़यामत के रोज जब कोई किसी के लिए नहीं होगा, मैं मोहम्मद उसकी शफात करूंगा, मैं उसकी शफात करूंगा। और फिर नबी पाक ने फरमाया अगर किसी के पांव के अंदर कांटा चुभता है वहां आकर, और वो सब्र करता है, तकलीफ का इजहार नहीं करता, सब्र करता है, तो मैं मोहम्मद कल क़यामत के रोज उसकी शफात करूंगा। जब बाप बाप से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटा माँ से जान छुड़ाएगा, उस वक्त जो अनालहा की सदा लगाएगा उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं।
तो इसलिए अल्लाह रब इज़्ज़त ने अबूबत की नफी कर दी कि मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबियीन, आप खातमुन नबियीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, आप पर नबूवत का बाब बंद कर दिया गया है। कुरान पाक की 100 से ज़ायद आयात इस मसले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किनायतन, इशारतन या सराहतन इस मसले को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। 200 से ज़ायद अहदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहतन सराहतन इस मसले के अंदर बयान की हैं खत्मे नबूवत के वाले से। नबी पाक ने फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक़्त भी खातमुल नबीयीन खातमुल मुरसलीन लिखा हुआ था, मक्तूब था, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में खातमुन नबीयीन मक्तूब था, लिखा हुआ था। और फिर बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके एक बात को समझाया है कि मेरी और मुझसे पहले जो अंबिया है उनकी मिसाल क्या है। नबी पाक ने मसली व मसलुल अंबिया का रजुलीन, आपने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल क्या है, उस फर्द की मानद है, उस इंसान की मानद है, उस इंसान की मिसाल है जो बेहतरीन घर को तामीर करता है, अपने घर को तामीर करता है, खूबसूरत बनाता है, खूबसूरत घर बनाता है, उस घर को फर्निश्ड करता है, आसान तरीके से बनाता है, अपना पूरा सरमाया अपने घर को बनाने में खर्च करता है, बेहतरीन घर बनाता है, लेकिन पूरा घर जब बन जाता है तो उसके अंदर एक ईंट की जगह को छोड़ देता है। हर आने वाला, हर उस घर की ज़ियारत करने वाला, हर उस घर को देखने वाला जब आता है, देखता है पूरा घर बड़ा खूबसूरत है, शानदार है, आसन है, असीन है, जमील है, बड़ी माल दौलत खर्च करके उसको पूरे डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, जब जगह देखता है कि एक ईंट की जगह खाली है तो वो बंदा सवाल करता है ये जगह क्यों छोड़ दी गई है, ये जगह खाली क्यों है। तो नबी पाक फरमाते हैं मिसाल देकर ये समझाने के लिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत के महल को बनाया, हर नबी को ईंट की सूरत में उस नबुव्वत के महल के अंदर चस्पा किया, नसब किया, और जब पूरा नबुव्वत का महल बन गया तो एक जगह खाली रखी, एक ईंट की जगह खाली रखी, और वो एक ईंट की जगह मैं मोहम्मद हूं जो आखिरी ईंट होगी, मेरे लगने के साथ वो नबुव्वत का महल मुकम्मल हो जाएगा। और जब वो नबुव्वत का महल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, उस महल के अंदर किसी दूसरी ईंट लगने की जगह ही नहीं होगी, और वो आखिरी नबी मैं हूं अल्लाह का। और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 30 कज़ाब दज्जाल होंगे, 30 जो झूठे कज़ाब, झूठे दज्जाल, धोखा देने वाले, हर एक ये ज़ोम करेगा कि वो अल्लाह का नबी है, हर एक ज़ोम करेगा, हर एक का गुमान होगा कि वो अल्लाह का नबी है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया सारे के सारे झूठे हैं, वो ज़ोम रखते हैं लेकिन अल्लाह के नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, वो आखिरी नबी मैं हूं। कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता जिसके अंदर नबुव्वत की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत का बाब बंद कर दिया है, अब कोई नबी हो नहीं सकता। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गज़वा तबूक के लिए जाने लगे ना,
मदीनातुल मुनव्वरा से 800 किलोमीटर दूर, जिसे जैशुल उसरा कहते हैं, गज़वाए तबूक कहते हैं, 30,500 से जायद सहाबा को जमा किया, माल दौलत इकट्ठा किया, सामान हरब इकट्ठा किया, और 800 किलोमीटर दूर जिहाद के लिए रूमियों के साथ जंग के लिए नबी पाक जाने लगे। तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला ने उनको फरमाया कि तुम मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर रहोगे। अब अली को अगर जिहाद से रोक दिया जाए, जिसकी शान ही तलवार चलाना है, ज़र्बे हैदरी के वार करना है, तो आप परेशान हुए, गमजदा हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इन औरतों और बच्चों के अंदर छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत मौला अली कहते हैं नबी पाक से, क्या आप मुझे, मैं तो मर्द हूं, मर्द मैदान हूं, मैं तो ज़ुल्फ़िकार हैदरी चलाने वाला हूं, और आप मुझे इन औरतों और बच्चों के अंदर छोड़कर जा रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया, अली तेरी हैसियत क्या है? जिस तरह हारून की मूसा अलैहि सलाम के साथ मामला था ना, मूसा और हारून, जब मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर गए ना, तो हजरत हारून को छोड़कर गए थे, तू मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह हारून मूसा के लिए है। लेकिन मामला क्या है कि मुझ पर नबुव्वत का बाब बंद हो गया है, अना खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नबी नहीं आएगा? देखें, नबुव्वत की सिफात में से एक सिर्फ नबी कौन होता है? जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम करता है, जिसे हम वाही कहते हैं। क्या कहते हैं? वाही, वाहयुन यूहा। वाही का क्या मतलब है? एक इसका शरी मामला, शरी माना, और दूसरा लुगत के हवाले से वाही का इस्तेमाल नबी के लिए भी और गैर नबी के लिए भी। व ओहा इला नहले, कुरान कहता है हमने शहद की मक्खी की तरफ वाही की। अब शहद की मक्खी नबी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है ना, समझ आ रही बात की कि नहीं? व ओहैना इला उम्मे मूसा, कुरान कहता है हमने मूसा की माँ की तरफ वाही की। और ये अकीदा है, ये मुसलमान असूल है कि कोई औरत नबिया नहीं हो सकती। तो अब हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालदा की तरफ वाही की जा रही है, और फिर कुरान कहता है शैतान अपने दोस्तों की तरफ वाही करता है। तो यहां ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने बलियों की तरफ वाही करता है, उस वाही का माना इल्हाम और इल्का होता है, उसे इल्हाम और इल्का के माने में लिया जाएगा, और जो अपने नबियों की तरफ करता है उसे वाही कहा जाता है, वो वाही के माना में होगा। और जो शैतान अपने दोस्तों की तरफ बात आगे पहुंचाता है उसे वसवसा कहा जाता है, उसे वसवसा कहा जाता है। दोस्तों की तरफ इल्हाम और इल्का, नबियों की तरफ वाही। तो वाही क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी वास्ते से और कभी बगैर वास्ते के अपने नबी से कलाम करता है। उस कलाम करने का जो लफ्ज शरीयत ने बयान किया है उसे वाही कहते हैं, कि अल्लाह अपने नबी के साथ बात करता है, कलाम करता है, गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करता है। कभी वो डायरेक्ट गुफ्तगू करता है, कभी किसी के जरिए वास्ते से गुफ्तगू करता है, जैसे जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी से गुफ्तगू कर रहा है, कभी मेराज की रात अपने पास बुला के सामने बिठा के, फओहा इला अब्दिही मा होआ, सामने बिठा के गुफ्तगू करता है अल्लाह। तो अब नबी वो होता है, और नबी पाक पर नबुव्वत का बाब बंद क्यों किया गया है? अल्लाह फरमाता है महबूब आप पर मैंने जो नबुव्वत का बाब बंद किया है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने आदम के साथ बात की है, आदम के साथ कलाम किया है, मैंने नूह के साथ कलाम किया है, मैंने इब्राहिम के साथ कलाम किया है, मैंने यूसुफ के साथ कलाम किया है, मैंने इस्माइल के साथ कलाम किया है, मैंने याह्या के साथ कलाम किया है,
मैंने मूसा के साथ कलाम किया है, मैंने इदरीस के साथ कलाम किया है, सारे 1,24,000 अंबिया और रुसल के साथ मैं कलाम करता रहा हूं। लेकिन महबूब, जब से मैंने तेरे साथ कलाम किया है ना, तुझसे बात की है और जो मजा मैंने तुझसे बात करने में हासिल किया है, वो खुदा जो मजे से पाक है, लुत्फ से पाक है, कैफ से पाक है, वो फरमा रहा है कि जो मजा तेरे साथ कलाम करने में आया है, मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं कि तेरे बाद किसी से कलाम ही नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जात जो लुत्फ से पाक है, कैफ से पाक है, हर तरह के लुत्फ से पाक होने के बावजूद अल्लाह फरमाता है, महबूब जो कलाम करने में तेरे साथ मुझे मजा आया है, मैं अल्लाह ऐलान करता हूं कि तेरे बाद मैं किसी से कलाम नहीं करूंगा। पहले मैं ईसा के साथ भी कलाम करता रहा हूं, लेकिन तुझसे कलाम करने के बाद अगर ईसा भी आ जाता है तो उससे भी कलाम नहीं करूंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत का बाब बंद कर दिया कि महबूब तेरे बाद अब मैं किसी से कलाम करूंगा ही नहीं। और एक और बात, नबुव्वत का तख्त बिछाना, उस नबुव्वत के तख्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को बिठाया, नूह को बिठाया, इब्राहिम को बिठाया, इस्माइल को बिठाया, इसहाक को बिठाया, याकूब को बिठाया, सारे नबियों को बिठाया तख्ते नबुव्वत पे, तख्ते रिसालत पे। और जब उस तख्त पर महबूब बिठाया ना, महबूब इतना सजा उस तख्त पर, इतना सजा उस तख्ते नबुव्वत और रिसालत पर, अल्लाह ने फरमाया अब इस तख्ते नबुव्वत पर मैं खुदा किसी और को बिठाऊंगा ही नहीं। तू इतना सजा है कि अब इस तख्त पर किसी और को नहीं बिठाऊंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत और रिसालत का बाब बंद कर दिया, कोई नबी नहीं आएगा। और 7 सितंबर 1974 के अंदर यह कानून पास किया गया, जो अल्लाह का फरमान था, जो रसूल का फरमान था, जो सहाबा ईमान रखते थे, जो अहले बैत अतहार ईमान रखते थे, जो औलिया उम्मत ईमान रखते थे, उसी कानून को 1974 के अंदर हमारी पार्लियामेंट ने भी मंजूर किया। और वो ख़त्मे नबुव्वत का कानून था जो 7 सितंबर 1974 के अंदर कानून पास किया गया। कादियानी काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मुर्तद हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इस्लाम की जो चीज़ें हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे। मस्जिद नहीं बना सकते, क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, और मुसलमान के लिए मस्जिद है, जिस तरह हिंदू के लिए मंदिर है, सिख के लिए गुरुद्वारा है, सिखों के लिए गुरुद्वारा, ईसाइयों के लिए चर्च है, इसी तरह मुसलमानों के लिए पकीज़ा जगह मस्जिद है। ये मुसलमानों का शियार है, मुसलमानों की ये जगह है। कोई हिंदू जिस तरह अपने मंदिर को, सिख अपने गुरुद्वारे को, ईसाई अपने चर्च को वो मस्जिद नहीं कह सकता, इसी तरह ये कादियानी अपने इबादत करने की जगह को वो मस्जिद नहीं कह सकते, क्योंकि वो दारा इस्लाम से खारिज हैं, मुर्तद हैं, दारा इस्लाम से खारिज हैं वो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का इकरार करते हैं कि वो नबी आ सकता है। और वो नबी कौन है? वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसको नबी मानते हैं। तो नबी पाक के बाद नबुव्वत का बाब बंद कर दिया गया। अब वो आप कहेंगे अकलियत, अकलियत भी नहीं है, वो मुर्तद हैं। और फिर देखे ना, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी कि नबी पाक के बाद नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के आयन के साथ गद्दारी। पार्लियामेंट जो है हमारी, जो आयन पास करती है उस पर अमल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और ये उसके खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आयन के खिलाफ दूसरी अदालतों में जाकर दावे कर रहे हैं। ना वो इस्लाम को मानने वाले हैं, ना पाकिस्तान के आयन को मानने वाले हैं, वो इस्लाम के भी गद्दार हैं
और पाकिस्तान के आइन के भी गद्दार हैं। कौन कौन? कादियानी, जो मिर्जे को अपना। और एक बात और सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नबुव्वत की अता करने के लिए किसका इंतहाब करता है? जो अपने जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, कोई नक्श ना हो उसके, कोई नक्श ना हो, फिर इलम में सबसे बाला हो, कुव्वत में सबसे ऊपर हो, तमाम खसाइल में, तमाम अच्छी आदात में वो सबसे आला मुकाम रखने वाला हो, अल्लाह सबसे जो जो खूबसूरत होता है अपने जमाने में, जिस जमाने में उसका नबूवत का दौर चल रहा होता है, उस जमाने के अंदर उसकी रियाया के अंदर कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उसके मुकाबले का हो। आदम को देखें, नूह अलैहिस्सलाम को देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, हजरत यूसुफ को देखें, कैसा हुसन दिया है उनकी उम्मत के अंदर, एक भी फर्द ऐसा नहीं था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन की झलक को भी पा ले। और कहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन और कहां नबी पाक का हुसन? ये हुसन यूसुफ जो है ये नबी पाक के हुसन की ज़कात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला ने लिखा है कि नबी पाक के हुसन से एक हिस्सा, नबी पाक के हुसन से एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को दिया है। जितनी भी कायनात के अंदर हुसन है ना, नबी पाक के हुसन का एक हिस्सा है, हजरत इमाम रब्बानी लिख रहे हैं। और एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक के हुसन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया है। और यूसुफ के हुसन की बात क्या है? तीन महीने खलकत रजी, देख यूसुफ किन आनी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रजे दमे जहानी। जो सबसे ज्यादा आसी होता है वो अल्लाह उसको नबूवत अता फरमाता है। और इस जमाने में काने को अल्लाह ने नबूवत दी है, उसे कोई बंदा मिले ही नहीं। अल्लाह ऐसे ऐबदार लोगों को मानते ही नहीं है, कबूल ही नहीं करता। वो जब नबुव्वत देता है तो हुसन भी देता है। और काना होना ऐब है, और किसी ऐबदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत नबुव्वत के ताज से सरफराज नहीं करता। और फिर सारे नबी आए हैं, आप तारीख पढ़ लें, अंबिया की सीरत का मुताला कर लें, जो भी नबी आया है उसका इस्म नाम जो है वो अकेला होता है, मुरक्कब नहीं होता। मसलन आदम, ठीक है, अकेला। नूह अकेला, मुरक्कब नहीं है ये नूह, अकेला मुफरद। इब्राहिम, इस्माइल, इदरीस, यहया, ठीक है, ये सारा मुफरद। और यहां गुलाम अहमद, गुलाम अहमद दो मुरक्कब, दो मुफरद का मजमूआ मुरक्कब। कोई भी नबी, मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मुफरद, अकेले अकेले। अल्लाह ने उनको ना, उनके नामों के अंदर ये खासियत रखी है कि नाम भी इनफरादियत रखते हैं, उनके नामों जैसा नाम ही कोई नहीं होता। और फिर एक वक्त में एक ही नाम उस नबी का। और यहां गुलाम अहमद, गुलाम भी है और नबी भी है। नबी तो इमाम होता है, गुलाम नहीं होता। नबी तो इमाम होता है, उम्मत का इमाम होता है। और हमारे नबी तो वो नबी हैं जो सिर्फ उम्मत के इमाम नहीं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नबूवत का बाब बंद कर दिया है। आपके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा है, मक्कार है, शैतान है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, दीन इस्लाम से खारिज है। नबूवत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर बंद कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।